गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर। आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बेसिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर का। तो अगर आप देखेंगे तो रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर देखने में बेसिकली इस तरीके से होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर ड्राइंग मटेरियल्स दैट कैन नॉट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर्स। ये सूटेबल रहता है उन मटेरियल्स के लिए जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इसमें हम वाया वैक्यूम ड्राइंग करते हैं। सेकेंड, इट फैसिलिएट्स एनहेंस्ड ड्राइंग एफिशिएंसी लो टेम्परेचर ऑपरेशन, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर CGMP एज पर CGMP गाइडलाइंस। फोर्थ वन, जो ड्राइंग की यूनिट होती है इसमें, ये देखिए आप, ये इस तरीके से लंप ब्रेकर्स लगे रहते हैं जो आपके मटेरियल को ड्राई करने के साथ में उसके अंदर जो लंप्स फॉर्म होते हैं उनको ब्रेक करते रहते हैं। जो ड्रायर का रोटेटरी एक्शन है, इसमें दोनों तरफ आपका कोन जैसा रहता है जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो एक तरफ से दूसरी तरफ अच्छे से मूव करता रहता है। सो ये है बेसिक डिस्क्रिप्शन आपका रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर का। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ RCVD। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर का, तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ये वैक्यूम वाला वॉल्व है, ये जो पॉइंट है यहाँ से बेसिकली हम वैक्यूम लगाते हैं RCVD के अंदर। ये देखिए, ये आपका वैक्यूम वॉल्व, ये रहा वैक्यूम वॉल्व, यहाँ से आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर। ये यहाँ पे फिल्टर बैग बांधा जाता है ताकि जब भी आप जो भी मटेरियल अंदर ड्राई करें, जब वो ड्राई हो तो उसके जो भी डस्ट है वो इस फिल्टर क्लॉथ के ऊपर रुक जाए और वो वैक्यूम की लाइन में ना जाए। इसके बाद में ये आपका मेन वेसल है जो रोटोकोन, दोनों तरफ आप देखिए, ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसा कोन जैसा बना रहता है, इसीलिए इसे रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर बोलते हैं। सेकंड, ये आपका हीट सोर्स है, ये दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका हॉट वाटर अंदर की तरफ सप्लाई दिया जाता है जो यहाँ से इसकी जैकेट्स में आपका पूरा का पूरा रन करता है। ये आपका बेसिक पार्ट्स होते हैं आपके रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर के। हीट सोर्स बेसिकली इसमें आप इधर स्टीम भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप हॉट वाटर भी यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब ऑपरेशनल मैकेनिज्म की बात करते हैं रोटोकोन वैक्यूम ड्रायर के। तो ऑपरेशनल मैकेनिज्म में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हॉट वाटर इन और ये हॉट वाटर आउट, ये आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये हॉट वाटर यहाँ से इन किया, इसके बाद में ये हॉट वाटर, ये देखिए, ये आपका ये जैकेट्स में मूव किया और आफ्टर दैट ये आपका हॉट वाटर आउट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये वेपर आउट हो रहा है, ये आपका सोर्स है जहाँ से आप वैक्यूम लगाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आप अपने सिस्टम में वैक्यूम अप्लाई करते हैं। जो भी मटेरियल है जिसको मेरे को ड्राई करना है, इस चार्ज्ड इनटू द कोन वाया लोडिंग मैनहोल। ये देखिए, ये यहाँ पे एक लोडिंग मैनहोल होता है, इस मैनहोल को खोला जाता है और जहाँ से इसमें मटेरियल चार्ज किया जाता है। द मिक्सचर इज डिस्चार्ज थ्रू अ हर्मेटिकली क्लोज बटरफ्लाई वॉल्व विच कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली। जो मटेरियल है उसको ड्राई होने के बाद में नीचे एक बटरफ्लाई वॉल्व दिया रहता है, उस बटरफ्लाई वॉल्व की हेल्प से इजली खाली कर दिया जाता है। ये जो यूनिट होती है इज प्रोवाइडेड विद अ गार्ड रेल। इस यूनिट को एक गार्ड रेल, ये देखिए, ये इस गार्ड रेल से प्रोवाइड किया जाता है विद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टू प्रिवेंट द ऑपरेटर फ्रॉम एसेसिंग इट व्हेन इट इज ऑपरेशन, ताकि कोई भी ऑपरेटर जब ये ऑपरेशन के मोड में हो तो इसको जाके असेस ना कर पाए। द इक्विपमेंट हैज़ वेरीड वॉल्यूम्स रेंजिंग फ्रॉम 1000 लीटर टू 4000 लीटर। ये जो इक्विपमेंट है इसमें वेरीड वॉल्यूम्स की रेंज में ये पाया जाता है, 100 लीटर से लेके 4000 लीटर तक। जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है RCVD का वर्सेज अ ट्रे ड्रायर इज दैट इट अवॉइड्स एनी लोकलाइज्ड बर्निंग ऑफ मटेरियल ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग।
कि इसके केस में कोई भी मटेरियल आपका एक्सेसिव हीटिंग से बर्न होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। ये देखिए, ये आपका बेसिक डायग्राम है रोटाकोन वैक्यूम ड्रायर का। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आरसीवीटी। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर रीड्राइंग ऑफ लम्प्स, बिकॉज इसमें लम्प्स ब्रेकर लगे रहते हैं जो लम्प्स को ब्रेक कर देते हैं। सेकेंड, इट अवॉइड हैंडलिंग एंड एक्सपोजर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये हैंडलिंग और एक्सपोजर फाइनल प्रोडक्ट का उसे अवॉइड करता है। इट गिव्स यूनिफॉर्म साइज ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स। इसके केस में हमेशा एक यूनिफॉर्म साइज का मेरे को ड्राई प्रोडक्ट मिलता है। द सिस्टम कैन प्रोसेस क्रिस्टलिन और एमॉर्फस पाउडर्स व्हिच आर प्रोन टू लम्प्स। ये जो सिस्टम है ये इजली एमॉर्फस या फिर क्रिस्टलिन पाउडर्स को प्रोसेस कर सकता है जिसमें लम्प्स बनने के चांस होते हैं, बिकॉज इसमें लम्प्स ब्रेकर लगा हुआ होता है। इट इज़ इजी टू क्लीन एंड इंटरनल सरफेस एंश्योर द प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसकी क्लीनिंग काफ़ी इजी होती है और इंटरनल सरफेस एंश्योर करता है कि आपके मटेरियल में किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना आए। ऑप्टिमम एंड कॉन्टिन्यूस वैक्यूम मेंटेनेंस ड्यूरिंग प्रोसेस। इसमें आप वैक्यूम की लाइन में इजली मेंटेनेंस कर सकते हो जब ये रनिंग होता है। इट यूनिफॉर्म्स मटेरियल सफलिंग ओवर द हीटेड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस ऑफ द कोन। इसमें मटेरियल आपका उसके डिज़ाइन की वजह से, रोटोकोन डिज़ाइन की वजह से अपने आप मटेरियल आपका ऊपर नीचे रिसफल करता रहता है, जिसकी वजह से उसमें एक लोकलाइज्ड हीटिंग होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इट रिड्यूसेस द ड्राइंग टाइम। इसका जो डिज़ाइन है आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर और नीचे कोनिकल सर्फेस रहता है, जिसकी वजह से मटेरियल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और जो ड्राइंग का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे डिस्टिलेशन और उसकी ट्रबल शूटिंग्स के बारे में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।